नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी परीक्षा 2016 जिसका पेपर 2019 में हुआ था उसके इंटरव्यू कार्यक्रम में। तो यहाँ पे देखिए, माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने सामाजिक विज्ञान के 3662 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए लिस्ट जारी कर दिया है। तो ये टोटल 102 पेज का पीडीएफ लिस्ट है जिसमें उन कैंडिडेट को बुलाया गया है जो परीक्षा क्वालिफाई किए गए हैं सीटों के सापेक्ष। यहाँ पर पहले क्रमांक, फिर रोल नंबर, फिर नाम, पिता का नाम, बैच किस में होगा, मॉर्निंग में कि इवनिंग में, यहाँ पे देखिए आफ्टरनून में कि मॉर्निंग में, उसके बाद कौन से डेट पे कितने से कितने बजे तक इंटरव्यू होगा। तो ये आफ्टरनून का है, ये मॉर्निंग का है, तो दो शिफ्ट में इंटरव्यू होगा यानी मॉर्निंग और आफ्टरनून में। और 29वीं बार में रागनी बनी पीसीएस, तो यहाँ पे देखिए महेश प्रताप सिंह कानपुर कल्याणपुर निवासी रागनी कटियार ने 29वीं बार परीक्षा देने के बाद सफलता हासिल की। उनका चयन पीडब्ल्यूडी लीगल ऑफिसर के पद पर हुआ है। पिछले कई वर्षों से पीसीएस अधिकारी बनने के लिए अलग अलग राज्यों से परीक्षा दे रही रागनी कटियार ने छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद एलएलबी की पढ़ाई की। वर्ष 2008 में उनकी शादी लखनऊ में सीएल पटेल से हुई थी। पति डब्ल्यूएचओ में कार्यरत हैं। रागनी का सपना था पीसीएस अधिकारी बनने का। लगातार प्रयास के बाद भी सफलता नहीं मिली तो उन्होंने उकाला शुरू कर दिया, लेकिन वे हार नहीं मानी और 29वीं बार में उनको पीसीएस अधिकारी बनने का सपना पूरा हुआ। और आज बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी, पेरणा ऐप मंत्री जी, आज राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद लखनऊ यानी SCRT के सभागार में पेरणा लक्ष्य ऐप को लॉन्च किया। इस दौरान वहां पर पेरणा लक्ष्य के बारे में कहा, स्कूल खुलने के बाद भी पेरणा ऐप जारी रहेगा यानी वो हमेशा चलता रहेगा। सभागार में ही उन्होंने शिक्षकों से भी बातचीत किया, वे बच्चों के साथ पेड़ा ऐप पर जानकारी लेते नजर आए। बच्चों से ही उन्होंने पेड़ा ऐप के बारे में जानकारी ली जिस पर बच्चे उनके मोबाइल खोल करके दिखाए। और ये 22,000 से संबंधित शिक्षक नियुक्त जिसमें अभ्यर्थियों का फिर से ज्ञापन कार्यक्रम शुरू हो गया है। यहाँ पर अभ्यर्थी लगातार अपने 5 पॉइंट के माध्यम से सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं 22,000 सीट जोड़ने के लिए। तो अब 22,000 सीट के लिए अभ्यर्थियों ने माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को लखनऊ उत्तर प्रदेश नाम से पत्र लिखा है। उन्होंने मांग किया है कि मुख्यमंत्री जी, जैसा आपको सर्वविदित है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार जो उन्होंने कहा था 1,37,000 के पद को 2 ही भर्ती में पूर्ण करना है, उसके बारे में उन्होंने यहाँ पर बात किया और फिर नीचे उन्होंने उन पॉइंटों को नोट कराया जिसके कारण उनका नियुक्ति पत्र या काउंसलिंग का मौका नहीं मिला कुछ पॉइंट की वजह से। तो यहाँ पर बताया क्या गया है कि 1,46,000 बच्चे सरकार द्वारा जारी मानक पर पास हुए हैं। इतनी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भी 69,000 में वो सब बाहर हो गए हैं। 1,46,000 में होने के बावजूद कारण 3 नंबर उन लोगों ने लिख के दिया है कि जो क्वेश्चन बढ़ाए गए थे। इसके अलावा 2,50,000 पद खाली हैं, फिर 22,000 सीट को ऐड क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये इनके पूरे वो पॉइंट है जो ज्ञापन में लिखा गया है। और ये ज्ञापन कार्यक्रम जिसमें ज्ञापन देती हुई महिला अभ्यर्थी और थर्ड काउंसलिंग के अभ्यर्थियों की ओर से दबाव बनाने के लिए एक नई रणनीति भी अपनाई जा रही है। उन्होंने यानी कि टीम के जो सदस्य हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि राज्यपाल महोदय जी से इच्छा मृत्यु की मांग की जाए, जिससे एक साथ प्रदेश से लेटर लिखें, इसी पोस्ट करें या डाक टिकट लगाकर राज्यपाल महोदय जी के एड्रेस पर पोस्ट करें। जो परिस्थितियों से आप लोग गुजर रहे हैं ठीक ऐसी ही परिस्थितियाँ 72,825 टेट 11 यानी 2011 के मामले में हुआ था। पूर्ववर्ती सरकार लिस्ट नहीं निकाल रही थी, ना ही काउंसलिंग करवा रही थी। कभी आचार संहिता का बहाना तो कभी शासन से निर्णय लेने का बहाना बनाकर मामले को करीब 3 महीने लटकाया गया था। उसके बाद एकेडमिक संघर्ष मोर्चा के हमारे एक मित्र अंशुल मिश्रा जी ने पूरे प्रदेश में एक साथ राज्यपाल महोदय जी को पत्र लिखकर मांग की। 10 दिन के अंदर माननीय राज्यपाल महोदय जी ने मामले की गंभीरता को संज्ञान में लेते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री सहित राम गोविंद चौधरी बेसिक शिक्षा मंत्री जी को तलब करके जीओ जारी करने का आदेश दिया था। तब जाकर उन सभी भाइयों बहनों को सफलता मिली थी। तो ये अब रणनीति है थर्ड काउंसलिंग वाले अभ्यर्थियों की, जो कि लीगल टीम के सदस्य ने ये रणनीति बनाई है।